हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्वपित्र अमावस्या 2022 शुभ तिथि पूजा का सुमुहूर्त विधि योग और साथ ही जानेंगे इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपित्र अमावस्या या महाले अमावस्या भी कहते हैं। यह दिन पितरों के श्राद्ध, तर्पण व पिंड दान का अंतिम दिन होता है। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है और इसी के साथ पितृ पक्ष का समापन भी हो जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात और जिन पितरों की तिथि ज्ञात न हो उन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार सर्वपित्र अमावस्या तिथि कब पड़ेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त विधि योग और पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या कब है। सर्वपित्र अमावस्या तिथि होगी 25 सितंबर दिन रविवार को। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर सुबह 3:12 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर सुबह 3:23 पर। आइए जान लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। कुतुब मुहूर्त होगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:37। रोहिण मुहूर्त होगा दोपहर 12:37 से दोपहर 1:25। अपराहन काल मुहूर्त होगा दोपहर 1:25 से शाम 3:50। आइए जान लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या विधि के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या की तिथि श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है, ऐसे में इस दिन प्रातः काल स्नान कर एक लोटा जल सूर्य देव को पितरों के निमित्त जौ और तिल डालकर आप जरूर अर्पित करें। इससे पितृ देव तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपको जीवन में दीर्घायु, यश तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जो भी लोग पितृ पक्ष में अपने परिजन का श्राद्ध करना भूल गए हैं उन्हें अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर लेना चाहिए। इस दिन किए गए श्राद्ध से भी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वे अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए अब जान लेते हैं सर्वपित्र अमावस्या उपायों के बारे में। इस साल सर्वपित्र अमावस्या या महालय के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कि सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध तथा महालय पर्व के लिए सर्वोत्तम होगा। इस दिन घर में बने भोजन में से पहले कौवे, गाय और कुत्तों को भोजन अर्पित जरूर करें। पितृ पक्ष की अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दिया जलाएं, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों को विदाई दी जाती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद पितरों के नाम का चौमुखी दीपक जलाकर घर की छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जरूर जलाएं। हर हर महादेव।